कैप करवा देता हूँ कि यूरोप आफ्टर नेपोलियन। तो क्या हुआ कि जो राइज हुआ था, एसिडेंसी हुआ था नेपोलियन का, ठीक है, ये क्या हुआ, ये बहुत बड़ा तुम्हारा वाटर सेट है यूरोप के हिस्ट्री में, है ना। क्यों? क्योंकि नेपोलियन ने तो यूरोप को बहुत बड़ा एरिया कवर कर लिया था, और उसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन का भी तुम्हारा जो लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी जो चीज़ है वो देने का प्रयास किया था, और यही कारण है कि शुरू में उसको स्वीकार भी किया गया था। जानते हो जो पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस हुआ है नेपोलियन एम्पायर का, वो शॉर्ट था, मगर इसका जो इम्प्लीकेशन था, इसका जो रेमिफिकेशन था, जो इसका इफेक्ट था, वो काफ़ी दूर दूर तक था यूरोप में, समझे। चाहे वो कंटिनेंटल सिस्टम के द्वारा तुम देख लो कि कैसे यूरोप को एक करने का प्रयास किया नेपोलियन ने, कि ताकि यूके का हेजिमोनी को डाउन कर सके वो। देखो, इट ब्रॉट यूरोप इनटू कॉन्टैक्ट विद द आइडियाज। अब इससे क्या हुआ कि यूरोप में फ्रांस का आइडियाज, फ्रांस का इंस्टीट्यूशन, ठीक है, ये भी फैलना शुरू कर गया, ठीक है। इसलिए कह सकते हैं कि ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है वो यूरोपियन रेवोल्यूशन है। इतना ही नहीं, जो रेवोल्यूशन का आइडिया था और इंटेंसिफाइड हुआ, नेपोलियनिक वार है, तो नेपोलियनिक वार है तो जान, उस दिन बोले थे जो क्रिटिसाइज करोगे तो वो और फेमस होगा, तो और फ्रांस के बारे में और भी जानकारी मिल रहा है सभी को। अब देखो, जो दूसरे पीपल ऑफ अदर नेक्स्ट कंट्रीज, वही जो बोले पर्शिया बोले थे तुम लोग को, स्पेन बोले थे हम, याद है ना, वाल्सर की तरह काम किया पहले शुरू में, तो लिबरेटर की तरह काम सोच रहा था कि लिबरेटर होगा, हम लोग को बच्चा आएगा, तो ही इन्वाइट डेट अ कॉन्क्वेस्ट ऑफ नेपोलियन हुड लिबरेटर। यदि कॉन्क्वेस्ट करता है हमारे कंट्री में तो हमारा जो एब्सोल्यूट मोनार्की वो खत्म हो जाएगा और लिबरल और डेमोक्रेटिक रिजिम आ जाएंगे, लोग तो इस सोच के किए थे। मगर क्या हुआ जब पीपल रियलाइज किए कि ना जी, धोखा हो गया हमारे साथ, ठीक है। तो 10 नंबर देख लो, दिस ऑल्सो यूनाइटेड द पीपल ऑफ द नेपोलियनिक एम्पायर, और इससे भी किया एम्पायर किया कि ना, और यहाँ से नेशनलिज्म का बीज बो दिया गया, और लिबर्टी, इक्वलिटी रियल मायने में क्या होता और ज़्यादा लोग को समझ में आने लगा, ठीक है। कोमल, समझ में आ रहा सभी चीज़। अब देखो 11 देखो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन और नेपोलियनिक वार्स डिटर्मेंटल फॉर एब्सोल्यूट मोनार्की, एट द, ये ठीक है, द स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर द मॉडर्न डे स्टेट्स एंड इंस्टीट्यूशन वर बिल्ट एज अ रिजल्ट ऑफ दिस। और आज जो देखते हो कि बड़ा बड़ा देश का जो निर्माण हुआ, जर्मनी का, इटली का, स्पेन, ये बहुत बड़ा रोल प्ले किया था ये नेपोलियनिक एपिसोड सभी, ठीक है। मोनार्क्स एंड द रेस्पेक्टिव नोबिलिटी फेल टू रियलाइज दिस पॉपुलर एस्पिरेशन पीपल। मगर देखो, वही बोले कि आखिर मोनार्क टाइप का ही रिप्लेसमेंट हुआ है, क्योंकि सत्ता पे एक ही है, उसी का चल रहा है तुम्हारा हेजेमोनी, सुप्रीमेसी। अंतर यही था कि मोनार्क्स ने कभी सीरियस थॉट नहीं किया था पीपल का इच्छा और आकांक्षा को लेकर। मगर ये आया था, इसने पीपल का बहुत सारा चीज़ माना, जैसे कि चर्च का डोमिनेंस खत्म कर दिया, मैंने बताया था तुम लोग को, नेपोलियनिक कोड बहुत इंपॉर्टेंट था, अभी भी चलता है। तो जो पॉपुलर एस्पिरेशन थे पीपल का, वो उस समय के मोनार्क नहीं कर पाए थे, और कहीं ना कहीं इस चीज़ को रिसेप किया है नेपोलियन ने। वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ दिस सेक्शंस मेड देम रिएक्शनरी एंड स्टेटस को हिट, और अलग अलग सेक्शंस का अलग अलग, क्योंकि मैंने तुम लोग को बोला था कॉमन पीपल का अपना अपना ही सोच था। कॉमन पीपल में बहुत सारे बुर्जवाजिस का था कुछ और मांग था, पिजन्स का कुछ और मांग था, और पिजन का थोड़ा रेडिकल मांग था, और पिजन के पास उतना जमीन भी नहीं था, जानते हो तुम लोग। मोनार्क्स ऑफ द यूरोपियन वांटेड टू रिस्टोर द ओल्ड। अब जो मोनार्क्स थे चाहते थे कि नहीं, पहले वाला ही डायनेस्टी रहे, क्योंकि वो तो चाहेंगे कि हमारा जिस तरह सल्तनत था वैसे ही रहे। तो देख रहे हो, किसी भी कॉस्ट पे, यानी कि नेपोलियन को ख़त्म करो, वाटरलू में ख़त्म करके निकाल दो, फिर से करो, और यही चीज़ हुआ है तुम्हारा, कि जब तुम्हारा वही वेना कॉन्फ्रेंस हुआ था, कांग्रेस हुआ था, मेटर्निक सिस्टम जिसको बोलते हैं, ऑस्ट्रिया का जो तुम्हारा चांसलर था, याद करो सभी चीज़ को। तो ये चीज़ तुम्हारा दिखने को मिला तुमको जब नेपोलियन का वाटरलू में डिफीट हुआ, तो ये चीज़ तुमको देखने को मिल गया कि कैसे फिर से फ्रांस को, फिर से मेडिवल फ्रांस में कैसे धकेला गया, है ना। तो देखते हैं, अभी यहाँ से इशू है ना नया, तो यहाँ से इशूज है, इसको बढ़िया से समझेंगे हर एक चीज़ को। डिफीट ऑफ नेपोलियन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ यूरोप, नेपोलियन का डिफीट होना और यूरोप का फिर से रिकंस्ट्रक्शन होना। तो देखो, जो 7th कोलिशन तुम्हारा यूरोपियन पावर बना, यानी कि इससे भी पहले बहुत बन चुका था, ये 7th बार बना, ये तब जाके नेपोलियन को हरा दिया था वाटरलू में 1815 में, ठीक है। ये 7th कोलिशन कंपेयर्ड कौन कौन थे, अब एंग्लो एलाइड आर्मी, यानी कि एंग्लो मतलब क्या है, ब्रिटिश, और ब्रिटिश साथ और भी बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। कमांड किसके अंडर था, ड्यूक ऑफ वेलिंगटन, ठीक है, ये पर्शियन आर्मी के साथ कंबाइंड हुआ अंडर द कमांड ऑफ, तो यानी कि ब्लूचर, यानी कि सब एक तुम्हारा ये है, एंग्लो एलाइड आर्मी को कमांड करने वाले ड्यूक ऑफ वेलिंगटन है, और पर्शियन आर्मी को कमांड करने वाले तुम्हारे कौन हैं, गेबरात बॉन वुल्चर, ठीक है। तो ये दोनों ही मिल के आए, साथ आए, ये कोलिशन फोर्सेस डिफीट कर दिया फ्रांस को, और रिस्टोर कर दिया लुइस, क्या है तुम्हारा 13, हाँ नहीं, लुइस क्या है 18 है, बिल्कुल 18, लुइस 18 को
थ्रोन पर रख दिया गया, उसी का जो आएगा उसका प्रजाति होगा। ठीक है, नेपोलियन एबडिक्टेड, सरेंडर कर दिया ब्रिटिश को और उसको भेज दिया गया एग्जाइल में, जहाँ पर वो मर गया 1821 में। ठीक है, सेंट हेलेना में उसको भेज दिया गया। अब देखो कौन से लोग थे, तो ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, पर्शिया, रशिया डोमिनेंट पावर बन के निकला और नेपोलियन वॉज डिफीटेड एंड द एब्सोल्यूट मोनार्की वॉज रिस्टोर्ड इन फ्रांस अगेंस्ट द आइडियाज ऑफ रेवोल्यूशन। यानी कि 1789 में इतना बड़ा रेवोल्यूशन हुआ जिस आइडियाज को वो पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया, क्रश कर दिया गया, विक्टर पावर्स यही सब है। अब देखते हैं, फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय द ग्रुप ऑफ कंट्रीज, है ना, रूल्ड बाय द रिएक्शनरी मोनार्क्स, अलग अलग ये सब क्या मोनार्की थे, ये चाहते थे हमारे कंट्री में मोनार्क्स को कोई डिस्ट्रक्शन ना हो, इसलिए नहीं ये लोग आगे आए और नेपोलियन खत्म करो यार, एक तो यूरोप खा गया है। बट द पीपल ऑफ यूरोप इन जनरल एंड फ्रांस इन पर्टिकुलर हैव टेस्टेड द आइडिया, मतलब लोगों को लग गया, स्पेशली फ्रांस वाले लोगों को लग गया कि हाँ लिबर्टी तो बहुत गजब का चीज़ है, इक्वलिटी तो गजब है, यानी कि मोनार्क को भी हिला सकते हैं क्योंकि हमने बेस्टाइल को गिरा दिया था, अब वहीं से पता चल गया कि हम कुछ भी कर सकते हैं, याद करो। तो पर्टिकुलरली फ्रांस में और जनरली यूरोप में भी ये चीज़ संदेश चला गया है क्योंकि नेपोलियन गया था, तो ये चीज़ तो क्रांति आ ही गया था लोग के दिमाग में, अब उसके बाद कुछ भी हो जाए तो लोग तो आएंगे फिर सड़क पर। द नेपोलियनिक वार्स हैड टेकन दिस आइडियाज टू एवरी नुक एंड कॉर्नर ऑफ यूरोप, हर एक जगह पर पहुँचा दिया नेपोलियन का जो फतेह हुआ है यूरोप पे, उसके वजह से हर एक कोना कोना में रेवोल्यूशन का आइडिया पहुंच चुका था फ्रेंच रेवोल्यूशन का। मोरओवर द नेपोलियनिक वार्स हैड फ्रैक्चर द बाउंड्रीज ऑफ नेशंस एंड एम्पायर, और साथ साथ इतना कि जो नेपोलियनिक का जो एक्सपेंशन हुआ था इससे तो तुम्हारा जो नेशंस बाउंड्री थे पहले उसको भी काट दिया, क्योंकि बहुत सारी जगह को इसने कन्क्वेस्ट कर लिया था। मैंने तुम लोग को पहले ही बताया था कि 300 स्टेट्स में तुम्हारा जर्मनी था, उसको 39 स्टेट्स में कन्वर्ट हुआ था 300 के आसपास, तो ये समझ लो कि किस तरह बाउंड्री रिऑर्गेनाइज हुआ है। इमीडिएट टास्क क्या था कि इन फ्रंट ऑफ विक्ट्रियस, ये जो विक्ट्रियस पावर है ना जो जीते हैं इस जंक्चर पर इस समय, कि रिकंस्ट्रक्शन करना है फिर को यूरोप को वर्ल्ड ओल्ड ऑर्डर में, और चेक करना है कि कोई पॉपुलर आइडियाज जनरेट ना हो रेवोल्यूशन से जो हुआ था, कब करना है ताकि हम आराम से सत्ता को चला सकें। तो समझ में आ रहा होगा तुम लोग को, तो यहीं पे तुम्हारा आ गया मेटानिक सिस्टम, मेटानिक देख लो तुम लोग फोटो से। तो कांग्रेस ऑफ वेना 1815 में क्या हुआ, देखो एन असेंबली ऑफ द विक्ट्रियस पावर मेट इन वेना आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन 1815 टू रिसेटल द परटर्ब्ड कंटिनेंट। जैसे आप बोला कि यही इशू को करने के लिए कि किस तरह होना चाहिए यूरोप का, क्या दशा और दिशा क्या होना चाहिए, उसी के लिए 1815 में वेना कॉन्फ्रेंस वहाँ बैठा, समझे। Although nearly all European countries sent their delegates and diplomats to the Congress, but the main business of the Congress was transacted by four great powers. हालांकि यूरोप के जितने नेशन से सभी डेलीगेट्स गए थे कि आएगा फ्यूचर क्या होगा फ्रांस का और यूरोप का भी, मगर जो मेन विक्टर पावर थे उसका से ज़्यादा होगा, उसका आवाज़ ज़्यादा होगा क्योंकि वो जीता हुआ है, तो हालांकि सभी गए थे मगर जो प्रोमिनेंट जो थे वो कौन, फोर ग्रेट पावर्स ही थे, जिसमें तुम लोग खुद जानते हो जिसने डिफीट किया था नेपोलियन को, इंग्लैंड है, रशिया है, ऑस्ट्रिया है और पर्शिया है। यस, कांग्रेस का प्रेसाइड कर रहा था मेटानिक क्योंकि ऑस्ट्रियन मिनिस्टर था और डिप्लोमेट पर एक्सीलेंस, ठीक है, तो यही इसलिए मेटानिक सिस्टम भी कहते हैं इसको। तो फोर्थ नंबर देखो, लेबर्स ऑफ द कांग्रेस वेर मेनली डिटरमाइंड बाय थ्री प्रिंसिपल्स, यानी कि तीन प्रिंसिपल्स को देखा जाएगा, यानी कि तीन प्रिंसिपल पर काम किया जाएगा ये कॉन्फ्रेंस में जो निकल के आया। द बैलेंस ऑफ पावर विच वुड प्रोवाइड एफेक्टिव सेफ गार्ड फॉर द फ्यूचर पीस ऑफ, यानी कि यूरोप में पीस रहे उस तरह का काम होगा, सेफ गार्डिंग किया जाएगा। दूसरा क्या होगा, प्रिंसिपल ऑफ लेजिटिमेसी वेयर बाई प्री रेवोल्यूशनरी कंडीशन वे टू बी रिस्टोर्ड एज पर पॉसिबल, यानी कि लेजिटिमेसी होना चाहिए, यानी कि हम लोग का ये कर्तव्य है कि जैसे रेवोल्यूशन से पहले जो स्थिति था उस स्थिति को फिर से बरकरार रखें। दूसरा यानी कि बॉर्बन डायनेस्टी सबको रिस्टोर कर दें। तीसरा क्या, द रिवार्ड टू द विक्टर्स एंड रिड्यूस टू द डिफीटेड, यानी कि क्या बोला कि जो जीता है उसको मिलना चाहिए, कंपनसेशन मिलना चाहिए और उसे छीन के जो हारा है, यानी कि फ्रांस का तबाही कर देगा, काट उट कर देगा, रख लेगा अपनी जगह पे। द टर्म बैलेंस ऑफ पावर मतलब क्या होता है कि कांग्रेस इन्फोसाइज प्रिवेंटिंग द एक्सटेंसिव एक्सपेंशन ऑफ एनी ग्रेट पावर इन यूरोप, तो यहाँ पे टर्म ऑफ पावर का मतलब क्या है कि कोई भी कंट्री अपना पावर को इस तरह नहीं फैला सकता जैसे नेपोलियन ने फैलाया था, यही टर्म ऑफ बैलेंस हुआ, यही तुम्हारा टर्म बैलेंस ऑफ पावर हुआ, जैसे नेपोलियन ने किया था ये तरह का ना हो, क्योंकि हमको भी दिक्कत हुआ है, सभी नेशंस बोल रहा है एक कॉन्टिनेंटल सिस्टम बना दिया, यूके को बहुत नुकसान हुआ, तो इस तरह का कोई आने वाले समय में कोई तानाशाही इस तरह क्रिएट ना हो, यही तुम्हारा टर्म बैलेंस ऑफ पावर, यानी कि आपका बैलेंस ऑफ पावर अपने जगह पे है, आपको अपना जगह ही देखना है, आप दूसरे के टेरिटोरी में नहीं घुस सकते हो। यानी कहने का मतलब जो तुम्हारा फॉरेन पॉलिसी होता है, जैसे तुम देखोगे जर्मनी का जो तुम्हारा बिस्मार्क का जो था फॉरेन पॉलिसी कितना इंपॉर्टेंट था, बिल्कुल कह सकते कि फॉरेन पॉलिसी है, ठीक है, कि कोई नहीं कर सकता, सच डैट नेपोलियन हैड ब्रॉट अबाउट, जो नेपोलियन ने किया था।
अब देख लो, एल्ट्रिस्टिक एटीट्यूड ऑफ नेशनल रिप्रेजेंटेटिव प्रेजेंट एंड सपोर्टेड द ओवरऑल पर्पस ऑफ प्रिवेंटिंग फ्यूचर वाइड स्प्रेड कम्युनिटी। और इस तरह का जो तुम्हारा विचारधारा था, ये जो रिप्रेजेंटेटिव का, यही था, आश्वस्त करता था कि फ्यूचर में इस तरह का कंफ्लिक्ट ना हो जिससे तुम्हारा यूरोप में क्योस हो, एनार्की हो, ठीक है। सिंस फ्रांस वॉज द एपिक सेंटर, जानते हो कि रेवोल्यूशन का जो केंद्र रहा है, केंद्र बिंदु रहा, वो फ्रांस ही रहा है। द फाइनल सेटलमेंट एट द कांग्रेस ऑफ वेना रीडिस्ट्रीब्यूट टेरिटरी इन सच ए मैनर टू प्रिवेंट एनी ऑफ देम फ्रॉम बिकमिंग पावरफुल। और इस तरह टेरिटरीज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया कि कोई पावरफुल ना बने और फिर से ये गिदर भक्ति ना दे, जैसे कि फ्रांस ने दिया, ठीक है। द स्पॉल्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑर्डर टू क्रिएट बफर अगेंस्ट फ्रांस, और फ्रांस को बफर बनाने के लिए वहाँ पे कोई क्रिएट कर दिया कि फ्रांस डायरेक्ट अटैक किसी को नहीं करे, क्योंकि भाई ये मानते कि अभी सो रहा है, इसने बहुत तबाही मचा दिया था, गंद मचा दिया था, तो वहाँ पे बफर क्रिएट किया है। बफर मतलब क्या है कि जैसे इंडिया और चाइना के बीच में नेपाल है, तो यानी कि डायरेक्ट चाइना नहीं कर सकता कुछ इंडिया पे, क्योंकि नेपाल है वहाँ पे, तो वहाँ पे तुम्हारा यहाँ पे बफर स्टेट क्रिएट कर दिया गया ताकि डायरेक्ट किसी को आक्रमण ना कर सके फ्रांस। देखो, फ्रांस को क्या किया, इनसर्कल कर दिया गया स्ट्रॉन्ग यूरोपियन पावर से। दिस वॉज डन अंडर द प्रिंसिपल ऑफ सिक्योरिटी, ये सिक्योरिटी के तौर पे कि कहीं कुछ फिर से उठ के ना आ जाए, ठीक है। द स्टेट्स नियर एडजेसेंट टू फ्रांस वेर एनलार्ज टू एक्ट एज अ बफर, जो स्टेट्स जो फ्रांस के आसपास थे वो सभी को बफर बना दिया गया, समझ गए बात को ना। तो अब ये यहाँ पे देख लो कि कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ फिर से किया गया है, तो देख सकते हो तुम। कांग्रेस ऑफ वेना, अनदर इंपॉर्टेंट गोल्स ऑफ कांग्रेस क्या था, रिस्टोर करना लेजिटिमेट या फिर ट्रेडिशनल गवर्नमेंट जो पावर पे थे उसको फिर से पावर पे लाना, है ना, यूरोप में। तो कहने का मतलब कि स्टेटस को मेंटेन करना और ओल्ड ऑर्डर को, जस का तस को मेंटेन करना। जैसे एग्जांपल देखो यहाँ पे, तो बॉर्बन्स को फिर से फ्रांस में, स्पेन में और नेपल्स में, नेपल्स तुम्हारा जर्मनी का पार्ट है, मैंने दिखाया था तुम लोग को, वहाँ पे फिर से रिस्टोर कर देना बॉर्बन डायनेस्टी को। हाउस ऑफ सेवॉय, ये डायनेस्टी है तुम्हारा, सर्डिना और पिडमेंट, याद है कोमल, इटली का है जी, अभी इटली का रेवोल्यूशन नहीं हुआ है, तो सर्डिना और पिडमेंट बताए थे तुम लोग को, और सेवॉय के बारे में बताए थे ना, सेवॉय बहुत इंपॉर्टेंट था, बिल्कुल बताया गया है तुम लोग को क्लास में। हाउस ऑफ ऑरेंज, ये तुम्हारा होल्डलैंड यानी कि नीदरलैंड में कर दिया गया, जर्मन प्रिंसेस को कॉन्फेडरेशन ऑफ राइन, राइन जानते हो तुम लोग जर्मनी का जो पार्ट, क्योंकि देखो जर्मनी तो फ्रैगमेंटेड है ना, अभी तुमको जर्मनी दिख रहा है, जर्मनी तो बहुत भाग में टूटा हुआ था, और नेपोलियन के प्रयास से 39 में वो गया है, नहीं तो उससे भी ज़्यादा था, 300 से ज़्यादा था तुम्हारा वो, ठीक है, इतना ज़्यादा था कि पता ही उसका रिकॉर्ड ही नहीं है ठीक से। अब पॉप को कर दिया गया सेंट्रल इटली में, जानते हो कितना तक रहा है, काफ़ी लंबा सा अभी तक है तुम्हारा, अभी तक है ये, क्योंकि बाद में रोम में दे दिया गया, जानते हो इटली यूनिफिकेशन में, जान लोगे सभी चीज़ को, हालांकि जान चुके हो बहुत सारा चीज़। तो क्रिटिसिज्म क्या है वेना कांग्रेस का, कि ऑल्दो रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूरोप डेट कांग्रेस ऑफ वेना इन्फोसाइज कुड प्रिजर्व रिलेटिव पीस इन यूरोप फॉर डिकेड्स, मानते हैं कि जो रिडिस्ट्रीब्यूशन हुआ यूरोप में, अलग अलग बाउंड्रीज बनाए गए हैं, ये इसी चीज़ से कि वहाँ पे पीस रहे, मगर ये तो फॉल्टी फॉल्ट था उसमें, क्यों बॉर्बन डायनेस्टी क्या करने की जरूरत था किसी को, मेडिवल दौर में किसी को धकेलने का क्या आवश्यकता है। स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिटिज्म यही रहा कि डिसरिगार्ड फॉर नेशनलिस्ट सेंटीमेंट, यानी कि लोग का जो इच्छा और आकांक्षा है, लोग तो चाहते थे लिबर्टी हो, इक्वलिटी हो, फ्रटर्निटी हो, आप तो सबको दबा दिए, और पॉपुलर रिवोल्ट हो जाएगा इसके बाद। दिस नेशनलिस्टिक एटीट्यूड्स एंड सेंटीमेंट्स वर वेल इस्टेब्लिश बाय द टाइम ऑफ कांग्रेस, और इस तरह का जो नेशनल एटीट्यूड्स है, सेंटीमेंट्स है, ये तुम्हारा वेल इस्टेब्लिश बाय द, तो कहने का मतलब क्या है कि जो चीज़ होने चाहिए थे वो एब्सेंट थे, और ये जाहिर सी बात है ये हो जाएगा, मतलब बगावत होगा ही होगा, तभी तो 1830 हो गया, तभी तो 1848 हो गया, इसके बाद 15 साल के बाद ही, क्योंकि गतिविधि होने में टाइम लगता है, दबा कर रखा है बॉर्बन ने फिर से, तो आस्ते आस्ते करके 15 साल के अंदर फिर से बहुत बड़ा रेवोल्यूशन, वो भी नहीं हुआ तो फिर 18 साल में पूरा ही रेवोल्यूशन, एक दिन में रेवोल्यूशन नहीं होता है। बट इंस्टेंट ऑफ यूनिफाइंग टेरिटोरीज एंड देयर पीपल बाय शेयर एंड कॉमन लैंग्वेज एंड कल्चर, द कांग्रेस एस्टैब्लिश बाउंड्रीज फ्रॉम द बट पर व्यू, बोला कि भाई तुम यूनिफाई करो टेरिटोरीज को, कि पीपल कॉमन लैंग्वेज शेयर कर रहा है, जैसे बिहार में सब बिहारी बोलेगा, यूपी में तुम्हारा उसका भाषा बोलेगा, इस आधार पे करना चाहिए था, कल्चर के आधार पे, लिंग्विस्टिक के आधार पे करना चाहिए, मगर कांग्रेस जो वेना कांग्रेस हुआ, इसने तो अलग अपने स्टाइल से किया, नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए कि विक्टर्स पावर कौन कौन जीता उस हिसाब से कर दो, यूरोप को डिवाइड कर दो, तो ये चीज़ लोगों को रास नहीं है जो बात है, तो यही तुम्हारा सबसे बड़ा तुम्हारा लूपहोल्स है वेना कांग्रेस का। और क्रिटिज्म का क्या सामना करना पड़ा, द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दिस ओवरसाइट वॉज सून फेल्ड इन द रिपल्स ऑफ द रिवोल्यूशन इन द ईयर्स फॉलोइंग, देखो वही तो बोले, आने वाले समय में तुरंत पता चल गया कि लोग खुश नहीं थे वही 1830 और 1848 का। इन अ नट सेल, यदि हम छोटे तरीके से बात करें कि दो द कांग्रेस मे हैव मेड मोमेंटस प्रोग्रेस इन डिप्लोमेसी एंड मेंटेन द स्टेबिलिटी, हाँ ये मानते हैं कि इसने डिप्लोमेसी में बहुत काम किया और ये लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का प्रयास किया, मगर फिर भी
ये कहना इट वॉज अ रेयरली डन विद अ कॉमन पीपल इन माइंड एंड ऑफन एट द सेक्रीफाइस ऑफ द राइट, मैं ये कहना मतलब शत प्रतिशत उचित होगा कि नहीं भाई कॉमन राइट्स को नहीं समझा गया यहाँ पे, क्योंकि कॉमन आदमी का कुछ इच्छा और आकांक्षा डिफरेंट था, ठीक है, उसका राइट्स को हम सेक्रीफाइस कर दिया गया वहाँ पे। तो देखो, तो अभी तक तुम लोगों ने क्या पढ़ा कि एसिडेंसी हुआ तो वाटरशेड हिस्ट्री में था, ये सभी चीज़ बता चुके हैं। अदर यूरोपियन कंट्रीज़ में तुम्हारा क्या है कि अदर उसको वेलकम किया है लिबर्टर समझ के। नेपोलियन डेस्पोटिक रूल जानते हो कि नेपोलियन हैड जस्ट रिप्लेस एब्सोल्यूट डेस्पोट बाय अनदर, जस्ट दूसरा जो तुम्हारा डेस्पोटिक था, तुम्हारा डायरेक्टरी सिस्टम था, उसको हटा के वो आया है। तो मोनार्क ऑफ यूरोप है तुम्हारा क्या है कि ये ओल्ड ऑर्डर कर दिया, वाटरलू हुआ ख़त्म, एंग्लो एलाइड आर्मी हुआ अभी जस्ट जानते हो तुम लोग, रिजल्ट ऑफ नेपोलियनिक वार क्या हुआ, वेना कांग्रेस क्या हुआ, क्रिटिज्म क्या हुआ, सब ये सभी चीज़ वही सब चीज़, कोई नया चीज़ नहीं लिखा गया, बस तुमको रिकैप करवाने के लिए था। मगर चूंकि आज एक फ्लो में पढ़ा रहे थे, रिकैप करने की कोई जरूरत नहीं है। अब एक क्वेश्चन है यूपीएससी फॉर्मेट से कि हाउ डिड द कांग्रेस ऑफ वेना रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट एंड व्यूज ऑफ यूरोपियन कंजर्वेटिव्स। तो समझ लो कि यूरोप उसी हिसाब से डिजाइन होगा, पीपल का कोई इच्छा और आकांक्षा बात करने का बात नहीं है, सब बॉर्बन डायनेस्टी ओल्ड डायनेस्टी फिर से रिस्टोर कर दिया गया। वाई एंड हाउ डिड कांग्रेस ऑफ वेना अटेम्प्ट टू कंटेन फ्रांस, कैसे तो बफर जोन बना के वहाँ पे, है ना, बफर जोन बना के उसको अच्छे से लिख दोगे तुम लोग। डू यू एग्री एट कांग्रेस ऑफ वेना वॉज अ सक्सेस, क्या कहते हो? तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ऐसा यदि सक्सेस होता तो 1830 और 1848 का इतना बड़ा रेवोल्यूशन ही नहीं होता। तो अभी तक देखो भूख वाला, अब देखो अब इसके बाद इतना आसान हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब मैं समझता हूँ कि इतना ना तुम लोग पढ़ लिया है ना कि अब सब चीज़ तुमको आसानी समझ में आ जाएगा, अभी समझ जाओगे, ठीक है। तो अब देख ही लो तुम लोग कि नेपोलियन बोनापार्ट, देखो बार बार हम पढ़ रहे हैं, बताओ नेपोलियन बोनापार्ट देखो 1799 में उदय होता है, 1804 में जाकर नेपोलियनी कोड बन जाता है, ठीक है। तो 1804 के बाद हम 13 साल कहते हैं, क्योंकि वहाँ से उसका फंक्शंस बढ़ता है। देखो उन्होंने अपना करियर एज अ मिलिट्री ऑफिसर स्टार्ट किया था, लाइमलाइट में 1795 में आया था जब वो डिफेंड किया था नेशनल कन्वेंशन को जो कि फ्रेंच पार्लियामेंट है, ठीक है। देखो बहुत सारा चीज़ नया भी आएगा यहाँ पे, समझो बात को, ठीक है। और वहाँ पे उसके जो कौशलता है पता चला कि वाह क्या आर्मी है, क्या मिलिट्री है, ठीक है। तो जानते हो कि कैसे हुआ था पार्लियामेंट 79, फिर उसको नेशनल असेंबली बना, फिर लेजिस्लेटिव असेंबली बना, है ना, सो ऑन। इटालियन देखो अब ये देखो इम्पोर्टेंट कि इटालियन कैंपेन भी चलाया था इन्होंने 96 से 97 में, देखो ये तुम लोगों को जानकारी में नहीं था, देखो क्योंकि इटली को रूल करता था ऑस्ट्रिया, तो उस समय भी इन्होंने बहुत अहम भूमिका अदा किया था, तो मैं थोड़ी देर में बताऊंगा तुम लोग को, ठीक है। कैप्चर किया था पावर, सो ऑन। नेपोलियन बिकम वन ऑफ द चीफ ऑफ द कॉन्सुलेट सिस्टम, जो कॉन्सुलेट सिस्टम जो था ना जी, उसमें एक इम्पॉर्टेंट अंग ये भी बना था, बाद में क्या यही डिफीट करके आगे बढ़ गया। तो रीज़न क्या है? रीज़न यही कि इक्वलिटी, स्टेट ऑफिसर मेरिट नेपोलियन ऑक्यूपाइड बाय ऑफिस, तो नेपोलियन ने कर दिया, ये सब बताएंगे। फेलियर डायरेक्ट सिस्टम का फेलियर होना भी कहीं ना कहीं अचीवमेंट है नेपोलियन के लिए, और प्रोग्राम्स नेपोलियन का जो था सभी वर्ग को इसने स्पर्श किया, क्लर्जी मैन को भी, जितने अलग अलग सेक्शंस थे तो सभी लोग बोले कि हाँ यही एक आदमी है जो हमको न्याय दे सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, तो क्वेश्चन क्या देखना है तुम लोग को, पहले ये देख लो राइज ऑफ नेपोलियन, तो बात करते हैं हम लोग आराम से जाएंगे। अब हम यदि डिक्टेट भी करते हैं तो समझ में आ जाएगा तुम लोग को। देखो कि नेपोलियन बोनापार्ट वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिलिट्री कंकोरेड एंड एडमिनिस्ट्रेटर इन होल ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। द नेम ऑफ नेपोलियन केम्स फॉर मोस्ट इन द लिस्ट ऑफ लीडर्स हु लेफ्ट अ लास्टिंग इम्पैक्ट नॉट ओनली ऑन द लाइफ ऑफ देयर टाइम्स बट ऑल्सो ऑन द लाइफ ऑफ जनरेशन दैट फॉलो। कितना बढ़िया शब्द लिखता है, देख रहे हो ना, यानी कि शताब्दी तक प्रेरणा दिया है नेपोलियन ने। नेपोलियन वॉज बॉर्न इन क्वाइट ऑर्डिनरी फैमिली, वही ना, एक सामान्य परिवार का आदमी कैसे उतना ऊपर चला जाता है। दिस कॉमन बॉर्न इंडिविजुअल अटेन अनकॉमन ग्लोरी, है ना, अनकॉमन ग्लोरी क्या है, ठीक है, अपने मेरिट से और अपने कमिटमेंट से। नेपोलियन वॉज अ प्रोडक्ट ऑफ हिस टाइम्स, ठीक है, अपने टाइम्स के वो प्रोडक्ट थे। क्यों? कि ही वॉज पुश्ड फॉर फ्रंट बाय द पोलिटिको, जो पोलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव जो सिस्टम वहाँ पे सेटअप हुआ था उस समय, जो सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस थे जो फ्रांस में थे, कहीं ना कहीं यही राइज करवा दिया तुम्हारा नेपोलियन को। जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट इफेक्ट है फ्रेंच रेवोल्यूशन का, ये बहुत बड़ा रोल प्ले किया है नेपोलियन राइज होने में, एसिडेंसी ऑफ नेपोलियन होने में। तो देखते हैं कि क्या फैक्टर्स था। तो रोल ऑफ पॉजिटिव वर्क्स ऑफ फ्रेंच, पॉजिटिव जो रोल्स था फ्रेंच रेवोल्यूशन का, देखो पॉजिटिव नेगेटिव बहुत सारे चीज़ ने नेपोलियन को आगे बढ़ाया है, तो ये तुम्हारा ऑर्गेनाइज तरीके से आंसर है।
कि जो तुम्हारा जो लॉफ्टी आइडियाज़ थे, प्रोग्रेसिव आइडियाज़ थे, इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रटर्निटी या कॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, ये जो पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन था, यही कहीं ना कहीं तुम्हारा ब्रॉट बाय द फोर्स ऑफ दिस आइडियाज़ पेव द वे, यही कहीं ना कहीं रास्ता बनाया कि हाँ कोई आएगा तो भाई यही चीज़ का बात होना चाहिए उस लीडर से। इसने तो किया ही कि भाई लिबर्टी होना चाहिए, क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन इसी के लिए हुआ है। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन प्रोक्लेम प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी, है ना, इक्वलिटी होना चाहिए, प्रिंसिपल वॉज डिक्लेयर एज द बेसिस ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी। तो प्रिंसिपल क्या था पूरी तरीके से, कि सोसाइटी होना चाहिए, स्टेट होना चाहिए, यानी कि सभी समान हो, क्लास प्रिविलेज से मिलाए। अब जो क्लास प्रिविलेज था ये तो ओल्ड रिजिम से, वो तो ख़त्म हो गया, तो डोंट वरी, हम नेपोलियन है, हम इस तरह का बात नहीं करेंगे, हम इक्वलिटी पर बात करेंगे। द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी अलाउड इंडिविजुअल्स लाइक नेपोलियन कि आप इतने हाई ऑफिस में जा सकते हैं। और एक खुद एग्जांपल, जैसे मोदी जी का एग्जांपल दिया जाता है तो तुम लोग कितना खुश आता है कि एक चाय बेचने वाला आदमी कैसे प्राइम मिनिस्टर बन गया, तो कॉमन आदमी भी रिलेट कर लेता है और वोट जाकर दे देता है उनको। तो यही बात है कि कॉमन आदमी विजन में सोचता है, अरे हम लोग के तरह ही तो है, इतना बड़ा पहुँच गया, दे दो वोट इसको, और सक्षम भी है ये। तो वही बात है कि कैसे हाई ऑफिस में पहुँच गया, और जानते हो रैपिडली ये जो सक्सेस का सीढ़ी लगातार चढ़ना शुरू कर दिया इसने। तो प्रिंसिपल ऑफ मेरिट वॉज ऑल्सो बोला कि मेरिट होना चाहिए, हालांकि मुंह से बोल रहा है, जब अंदर देखेंगे तो बात कुछ और होगा, जानते हो तुम लोग, ये सब लीडर के साथ होता है। क्या आज के दौर में नहीं है ऐसा? बिल्कुल है इंडिया। तो क्यों तुम्हारा ये जो तुम्हारा IOCL का क्यों चेयरमैन तुम्हारा संबित पात्रा हो, तो समझो बात को, जब मेरिट पर बात होता है तो संबित पात्रा, तो हमको नहीं लगता है कि वो मेरिट है, बिल्कुल नहीं है, हम तो आप चैलेंज करते हैं ऑन द रिकॉर्ड है इस बात को। क्या उनसे बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स क्या यहाँ पे नहीं है इस देश में? एक से एक इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो उसको करना चाहिए जिसको अनुभव है उस चीज़ का, वहीं यहाँ पे तो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट हो जाता है, सबसे बड़ा टेंशन का बात है ये। तो देखो बोलने को तो मेरिट बेस कह दोगे, मैं जब बात होता है चेंगड़ा रखने का तो अपना ही चेंगड़ा लोग रखते हैं लोग। हाँ तो बोला तो गया था, और इनफैक्ट आज भी तुम IIT पढ़ोगे, चीफ मिनिस्टर हाउस से इंडियन टेरिटोरी से रिलेटेड पढ़ोगे आज भी तुम। प्रिंसिपल ऑफ किए थे तो नेपोलियन वॉज अ बॉर्न जीनियस, कहा जाता कि ये जन्माई तो जीनियस था जी, ठीक है, अपने मेरिट के दम पे इतना ऊपर पहुँचे हैं। द वार्स एंड बैटल्स विटनेस इन फ्रांस आफ्टर द आउटब्रेक रेवोल्यूशंस, अब दूसरा क्या कि जो बैटल्स हुए हैं, जो वार्स हुए हैं ना, जो रेवोल्यूशन के टाइम हुए, ये कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी दे दिया नेपोलियन को कि वो अपना मिलिट्री जीनियसिटी दिखा सके, जीनियस दिखा सके, और नेशनल ग्लोरी ला सके फ्रांस के लिए। यही लाया भी, अपना प्रदर्शन कर दिया कि भाई कन्फ्रेंस अंदर कन्वेंशन हो रहा है, होगा ही होगा, पार्लियामेंट चलने दो, और यहाँ कोई यदि कोई दिक्कत दे रहा है तो उसको जा खदेड़ दिया, तो बोला अरे वाह ये तो सक्षम आदमी है। ये जो फेनोमेनल मिलिट्री सक्सेस हुआ है नेपोलियन का, यही तुम्हारा हिप्नोटाइज कर दिया कमन फ्रेंच मैन को, ठीक है, बिकॉज दे लव्ड नथिंग मोर देन ग्लोरी। क्यों? सबको अपना प्राइड बहुत अच्छा लगता है, वाह, ठीक है ना, सबको प्राइड, यही कारण था कि नेपोलियन कैप्चर पावर और सभी ने वेलकम किया इनको कि आ जाइए जी, ठीक है। फ्रेंच रिवोल्यूशन एबोलिश मोनार्की, जानते हो गिलोटिन कर दिया गया था 1792 में, ठीक है, जिसकी वजह से फ्रांस का राजगद्दी खाली हो गया, और ये सिचुएशन में नेपोलियन हेड बन गया तुम्हारा स्टेट का और किंग बन गया एक तरह से फ्रांस का। तो विदाउट एबोलिशन ऑफ मोनार्की, यदि मोनार्की का एबोलिशन नहीं होता तो शायद वो उस स्थिति में नहीं पहुँच पाता वो। तो देखो जितने भी क्रिएट हो रहे सिचुएशन सब नेपोलियन के लिए फेवरेबल है, जैसे 2014 का देखो कांग्रेस का गिरना, मोदी जी का राइज होना, समझ रहे हो बात को, अन्ना हजारे का मूवमेंट होना, मोदी जी को फायदा होना, हिंदू का एक साथ आना, मोदी जी का फायदा होना, हिंदू का एक साथ आना, कांग्रेस को नुकसान होना, अब हिंदू का प्रोपागंडा आगे लेके जाना, मोदी जी का फायदा होना, लोग फ्रस्ट्रेट है, जॉब नहीं मिला, मोदी जी को फायदा मिलना, 2014 कंटेस्ट बोल रहा हूँ, और अभी ऐसा होता है तो फिर कांग्रेस को फायदा मिलना, तो कंडीशन बन जाता है ना। और उसके बाद फिर बहुत बड़ा नाम प्रचार भी हो गया उनका, अब बहुत बड़े ऑरेटर है, नेपोलियन भी बहुत बड़े ऑरेटर थे, ठीक है। तो समझो कि एक चीज़ से नहीं होता है, सब समीकरण जब फिक्स होता है तो आदमी उसको पहुंचा देता है उस लेवल पर, और फेमस, क्योंकि मोदी जी भी दो टर्म बहुत अच्छा काम कर चुके थे चीफ मिनिस्टर, और प्रोग्रेसिव छवि था उनका, तो समझो, तो समझो कैसे पहुँचता है कोई, तो बिल्कुल कह सकते हो, मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं, नेपोलियन से तो कभी तुलना ही नहीं हो सकता, वो तो डिक्टेटर था, ठीक है, हमारे मोदी जी डिक्टेटर नहीं है, क्योंकि हमारा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है जी, समझ रहे हो ना। मगर जिस तरह काम होता है तो लगता है कि गड़बड़ तो है, मगर देखो ये हर समय क्रिटिसिज्म का सामना करना ही पड़ता है,
तो इंदिरा गांधी थी तो क्या इंदिरा गांधी समय नहीं करती थी? जब इमरजेंसी लगा था तो उससे बड़ा तानाशाही क्या हो सकता है? तो इस देश में ऐसा नहीं कि जो पावर पे रहा है वो पूरा अनुकूल ही रहा। फ्रैक्शंस ऑफ सोसाइटीज होते हैं, सेक्शंस ऑफ सोसाइटीज होते हैं जो कि आरोप लगाएंगे ही लगाएंगे। भाई इतना इच्छा आकांक्षा कैसे पूरा हो सकता है, है ना? कोई दिक्कत है, यानी कि मैक्सिमम का भलाई होगा तो उसको भलाई माना जाएगा। तो देखो ये पॉजिटिव रोल रहा रेवोल्यूशन का। अब रेवोल्यूशन का नेगेटिव रोल देखते हैं जिसकी वजह से तुम्हारा नेपोलियन ऊपर चढ़ा है। देखो क्या है कि नेपोलियन वॉज नॉट ओनली अ प्रोडक्ट ऑफ द पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएटेड बाय द रेवोल्यूशन, इनफैक्ट ये नेगेटिव रिएक्शन हुआ है रेवोल्यूशन के, ठीक नेगेटिव जो रिएक्शन हुए हैं उसका भी बाय प्रोडक्ट है ये। तो कैसे? देखो जैसे ही तुम्हारा जो आउटब्रेक हुआ था रेवोल्यूशन फ्रांस में, तो एक्सट्रीम एक्सेसेस होना शुरू हो गया था, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से कोलैप्स कर गया था, जानते हो रेन ऑफ टेरर हुआ था जिसमें बहुत सारे फ्रेंच मैन अपना जिंदगी ख़त्म कर दिए, उसमें 40,000 तो लोग मारे गए ड्यूरिंग रेन ऑफ टेरर। अब दिस एक्सट्रीम एक्सेसेस कहीं ना कहीं ये क्या किया, पीपल को बोला कि हो नेपोलियन ठीक है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, बिकॉज दे न्यू डैट ओनली स्वॉर्ड और पावरफुल जनरल, पता है कि क्योंकि ये तलवार के नुक पे ही ये शांति मिल सकता है, क्योंकि पूरा सिविल वार का स्थिति आ चुका है कंट्री में। जब तक कोई बड़ा डिक्टेटर नहीं आएगा, कोई बड़ा पावरफुल आदमी नहीं आएगा, कोई मिलिट्री जब कमांडर नहीं आएगा, तब तक ये सोल्यूशन नहीं हो पाएगा। तो समझ रहे हो, यानी कि नेगेटिव रेन ऑफ टेरर नेगेटिव है ना जी, फ्रेंच रेवोल्यूशन का उसका फ़ायदा मिलता है इसको, ठीक है। डैट इज़ वाई नेपोलियन राइटली कमेंटेड दैट ही फाउंड दैट क्रोन ऑफ फ्रांस लाइंग इन द डस्ट, बोला कि कितना बढ़िया बोला है कि जो राजगद्दी था फ्रांस का वो डस्ट पे पड़ा हुआ था, और इन्होंने क्या किया, शॉर्ट को उठाया और उसको सर पे रख लिया। यानी कि राजगद्दी शॉर्ट क्यों रेन ऑफ टेरर ख़त्म करना, कितना बढ़िया शब्द है। एट द टाइम ऑफ आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन फ्रेंच मैन वर सफरिंग फ्रॉम इकोनॉमी, जानते हो, और यही चीज़ तो अपने 13 साल में इन्होंने बहुत अच्छा काम कर दिया। तो आउटब्रेक रेवोल्यूशन का हुआ है ये, कहीं ना कहीं तुम्हारा इकोनॉमिक क्राइसिस में धकेल दिया था। वाट एवर लिटिल इकोनॉमिक एक्टिविटीज वर गोइंग ऑन बिफोर रेवोल्यूशन और स्नो आफ्टर, यानी कि जो भी छोटे छोटे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रहा था रेवोल्यूशन के बाद, तो वो भी तबाह हो गया, लोग इम्प्लॉयड थे वो भी बर्बाद हो गए, ख़त्म हो जाएगा, क्योस हो जाएगा, दंगा हो जाएगा, पूरा सिस्टम ही खराब, सब टूट गया, जानते हो कितना संपर्क ही टूट जाता है, बेघर हो जाते हैं लोग। तो फ्रेंच मैन वेयर लुकिंग फॉर पीस एंड ऑर्डर and they knew very well peace would be possible only under the leadership of strong administrator like Napoleon. तभी peace and order आ सकता है जब strong administrator आए Napoleon type का आदमी। तो fraternity एक important principle था revolution का, but outbreak revolution जो हुआ है तो काहे का fraternity, ये तो हर समय blood set हो रहा है, भाईचारा में कभी कोई एक दूसरे को मारेगा? मतलब fraternity में तो क्या हुआ, fraternity का मतलब यही कि brotherhood होना चाहिए, मरेन ऑफ टेरर में brotherhood का कोई बातें नहीं है, सब लोग मर रहे हैं। अभी तो जैसे बोला है तुमको 40,000 का ऑफिशियल आंकड़ा दिया गया था कि इतने लोग मरे थे। तो ये जो वॉयलेंस है फ्रेंच मैन को क्या किए, बोले कि रेवोल्यूशन ठीक चीज़ नहीं है, अब लोग रियलाइज हो गया, ठीक है। एंड दैट इज वाई पीपल ऑफ फ्रांस वॉज रेडी कि ठीक है हम लिबर्टी अपना देना चाहते हैं पीस और प्रॉस्पेरिटी के लिए, लीजिए नेपोलियन आगे बढ़ जाइए। कितना करोगे तुम कितना वार करोगे, एक दिन तो थक जाओगे क्योंकि तुमको डेली एक्टिविटीज चलाना है अपना। After the outbreak of revolution in France, a number of experiments were undertaken. जानते हो जैसे ही फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ तो बहुत तरह का बात हुआ, कोई बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की आएगा, कोई बोला कि रिपब्लिक आएगा, कोई बोला डायरेक्टरी आएगा, तो कोई भी एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो ये जो फ्लक्चुएशन जो थे इसके वजह से क्या हुआ कि हो छोड़ो यार नेपोलियन को स्वीकार कर लो, है ना, कि कोई सिस्टम ही काम, डायरेक्टरी सिस्टम ही काम नहीं कर रहा है, इनएफिशियंट है ये सब। तो समझ गए बात को ना, यानी कि पॉजिटिव रोल नेगेटिव रोल। अब बात करते कि ये जो डायरेक्टरी सिस्टम है ये फेल होने की वजह से भी तुम्हारा क्या है नेपोलियन का उदय हुआ है। तो सिस्टम ऑफ डायरेक्टरी जानते हो कि फ्रांस में तुम्हारा हुआ था 1795 में, समझ रहे हो रेन ऑफ टेरर ख़त्म होने वाला है 1792-3 में हुआ था, तो ख़त्म हो गया, डायरेक्टरी सिस्टम आया। ये क्या था कि स्टेट अथॉरिटी वाज एक्सरसाइज्ड बाय 5 इंडिविजुअल्स कलेक्टिवली, क्योंकि कोई तानाशाही ना बने, एक आदमी के हाथ में पावर ना हो तो 5 आदमी रहेगा वहाँ पे, और सभी तुम्हारा क्या मेजोरिटी में वोट में होगा, यानी कि 3 डिसाइड किया तो उस हिसाब से होगा। द सिस्टम ऑफ डायरेक्टरी फेल्ड मिजरेबली ना इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रंट, यानी कि देश के अंदर और बाहर का फॉरेन पॉलिसी जो भी होता है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ हो सकती है, दोनों पे फेल हो गया। क्यों? इकोनॉमिक क्राइसिस पूरी तरीके से जद्दोजहद में लगा हुआ है फ्रांस।
डायरेक्टर्स कुड नॉट वर्क टुगेदर एज अ यूनिट टू गवर्न फ्रांस इफेक्टली, यानी कि पांच डायरेक्टर एक साथ काम नहीं कर पाए क्योंकि अपना ही कन्फ्लिक्ट था उन लोग का। तो बात समझो, टू काउंटर प्रिवेलिंग इकोनॉमिक क्राइसिस डायरेक्टरी कैरिड एट एवेलेशन ऑफ फ्रेंच करेंसी। तो अब जो प्रिवेलिंग क्राइसिस था तो डायरेक्टरी ने अपना शुरू किया कि फ्रेंच करेंसी का क्या वैल्यू होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, अपना मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो इंस्टेंट ऑफ रिवाइविंग फ्रेंच इकोनॉमी डिवेल्यूशन ऑफ करेंसी एग्रीवे, आप देखो डिवेल्यू कर दिया, रिवेल्यूशन है, डिवेल्यूशन वहाँ पर डिवेल्यूशन तुम लोग समझते हो, करेंसी को डिवेल्यू कर दिया तो अब परचेसिंग पावर आउट घट गया तुम्हारा। तो और हार्डशिप, एक तो पैसा कमाने का साधन नहीं है, जो भी 10 रुपया वो भी कम कर दिए हैं, वही आप जब ब्रेड जाएंगे लेने के लिए तो एक ठेला लेके जाएंगे और कोमल की दुकान में बोलेंगे कोमल एक हजमोला दे दो, बोले सर थोड़ा सा कम हो गया नोट। हाँ, हाइपर इन्फ्लेशन जर्मनी वेनेजुएला, समझ रहे हो ना। तो ये स्थिति हो गया तो लोग और खफा हो गए इस चीज़ से कि टेरिफाइड ऑफ ग्रोइंग पॉपुलैरिटी ऑफ नेपोलियन डायरेक्टली सेंड ही माना इजिप्शियन कैंपेन। अब देखो लोग को लग, अब देखो अब क्या लगने लगा कि देखो यहाँ पे ये समझना होगा कि लोग डायरेक्टरी सिस्टम लगने लगा कि नेपोलियन तो बहुत फेमस हो रहा है, कहीं ये ले छीन ना ले हमसे राजगति। तो नेपोलियन को भेज दिया गया कि इजिप्ट का कैंपेन में, इजिप्ट के कैंपेन में, तो इजिप्ट में कुछ 1798 में, और वहाँ पे देखो बवाल काम कर देता और फेमस हो जाता है देखो। तो इन द एब्सेंस ऑफ नेपोलियन, जब तो सेकेंड यूरोपियन कोलिशन वॉज फॉर्म्ड बाई एनिमीज ऑफ फ्रांस, तो अब नेपोलियन तो है नहीं वहाँ पे, नेपोलियन तो चला गया है। तो नेपोलियन के एब्सेंस में सेकेंड कोलिशन तुम्हारा यूरोप का बना है, क्यों, क्योंकि अभी भी राजगद्दी तो बॉर्बन डायनेस्टी के पास नहीं है, अभी भी तुम्हारे डायरेक्टर के हाथ में है। तो अभी भी तो यूरोपियन कोलिशन चाहेगा कि भाई बॉर्बन डायनेस्टी बनवा दो, और उसके बाद नेपोलियन अपना हाथ में रख लेगा और लंबा चला देगा, उसको खींच देगा। बाद में इतना नाकदम हो जाता है तो कंटिनेंटल सिस्टम नेपोलियन करता है तो कहीं ना कहीं उसके लिए और बेकार हो जाता है नेपोलियन के लिए। समझ में आ रहा है तुम लोग को, जब नेपोलियन फ्रांस में नहीं था वो इजिप्ट के कैंपेन में गया था, समझो बात को। तो उस समय सेकेंड कोलिशन फॉर्म हुआ था बाय एनिमीज ऑफ फ्रांस, द फ्रेंच फोर्सेस वर लूजिंग एवरीवेयर, और इसमें फ्रेंच फोर्सेस हार रहे थे। तो यानी कि डायरेक्टरी सिस्टम पे ये भी आरोप लग जाएगा, क्या जी फ्रांस नेपोलियन चला गया इजिप्ट में और जब कोलिशन बन गया तो आप कुछ नहीं कर पाए, तो अब क्या क्या है डायरेक्टरी सिस्टम, तो फायदा किसको, नेपोलियन को पहुंचेगा अल्टीमेटली देख लो। व्हेन कॉफर्स ऑफ फ्रेंच सोल्जर्स स्टार्टेड रिटर्निंग फ्रॉम द बैटल फील्ड, यानी कि जब कॉफर्स मतलब क्या है, जब डेड बॉडीज सक जनाजा शुरू हो गया, लोग मर के आ रहे फ्रेंच लोग, तो पीपल रियलाइज द सिग्निफिकेंस, तब समझा कि नेपोलियन का होना कितना ज़रूरी है। अभी एक मिलिट्री कमांडर कोई ढंग का होता तो हमारे इतने सोल्जर मरते ही नहीं, इतना जनाजा आता ही नहीं, लोग को आ गया सेंटिमेंट्स आ गया। तो जैसे ही इजिप्ट आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम इजिप्ट, इजिप्ट कैंपेन से लौटे तो डायरेक्टरी को उड़ा दिया, ठीक है, और ओवरथ्रोन पावर, और 1799 में ठीक है पावर को उड़ा दिया। नॉट अ सिंगल फ्रेंच मैन वॉज सेड टीयर्स फ्रॉम द फील्ड डायरेक्टरी, ठीक है ना, एंड एवरी वन वेलकम, किसी का कोई गम नहीं था कि डायरेक्टरी क्यों हटा, सब ने वेलकम किया, आपने सही किया, इतने हमारे जवान मरे हैं, ठीक है ना, आप ही न्याय दे सकते हैं, सब वेलकम किया। डायरेक्टरी सिस्टम के लिए कोई वो नहीं, क्योंकि लोगों को लग गया था यार एक डिवेल्यूशन कर दिया, इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रंट पर काम नहीं कर रहा है ठीक से, जो सेकेंड कोलिशन हुआ उसमें हमारे फ्रेंच लोग बहुत मरे हैं, कर क्या रहा है, ये तो पूरी तरीके से इनएफिशिएंट है, ये वर्ड लिखा गया था इनएफिशिएंट इनकैपेबल, ये सब रीजन है, समझे। तो रोल ऑफ अचीवमेंट्स ऑफ नेपोलियन, और इतना ही नहीं तो तुम समझ गए कि पॉजिटिव नेगेटिव फेलियर ऑफ डायरेक्टरी सिस्टम, और इनका खुद का गुणगान, इनका गुणगान देख लो, देखो कितना कुछ जानना पड़ता है तुम लोग को कि राइज होने का, बिल्कुल सही बात है, यानी कि जितना पढ़ा है उससे भी कई गुना ज़्यादा है अभी, है ना। तो नेपोलियन देखो क्यों ना हो, नेपोलियन जब अपना कैरियर स्टार्ट किए मिलिट्री ऑफिसर तो लाइमलाइट में आ गए थे अक्टूबर 1795 में, जब वो डिफेंड कर रहे थे नेशनल कन्वेंशन को, जहाँ पे लार्ज मॉब कोशिश कर रहा था कि नेशनल कन्वेंशन को अटैक करे, तो नेपोलियन ने उस समय कैनन चलवा दिया था डिस्पर्स करने के लिए, भागो यहाँ से, कैनन जो चलाया जाता है मतलब आंसू गैस सब, समझे ना, वही होता है जी। दिस अनकॉमन एक्शंस ऑफ नेपोलियन ऑफ यूजिंग कैनन इंस्टीट्यूट ऑफ पेरिस पॉपुलराइजेशन, ये जो अनकॉमन है कोई सोच नहीं सकता कैनन चलवा सकता है क्या, तो ये अनकॉमन चीज़ है, नोटिस हो गया कोई, देखो एक आदमी ऐसा है, तो आस्ते आस्ते तो बात फैल गया कि कोई है, एक कोई गजब का है, गजब का मतलब एडमिनिस्ट्रेटर मतलब वो है जनरल है, ऑफिसर है, मिलिट्री ऑफिसर है, पॉपुलर हो गया वो।
ये जो फेनोमिनल मिलिट्री अचीवमेंट हुआ था कि डिस्पर्स करवा दिया कैनन से, ठीक है। और इतना ही नहीं, ड्यूरिंग इटालियन कैंपेन भी, इटालियन कैंपेन देखो मैंने बोला ना कि 1796 में और 97 में वहाँ पे भी इन्होंने काम किया, इटली में जाकर फतेह हासिल कर दिया। ऊपर में इजिप्ट में भेजा है तुम्हारा, ये इटली में देखो नहीं वो कब भेजा गया था वहाँ पर देखो, वहाँ पे 1798 में था और यहाँ पे देखो उससे पहले तुम्हारा ये 97 में भी गए थे। तो वहाँ भी इटालियन कैंपेन में भी इन्होंने गजब का काम किया, मिलिट्री अचीवमेंट किया था, वो भी नेशनल हीरो बना दिया। और ये डर गया था तो डायरेक्टली डर गया था, इसको इजिप्ट में भेज दिया, समझ रहे हो ना। तो फ्रेंच मैन लव्ड नथिंग मोर देन, वही तो बोला उसको नेशनल ग्लोरी चाहिए कि क्यों देश का नाम गौरव हो रहा है, तो बताओ फ्रांस का कोई आदमी है जैसे अभी सचिन तेंदुलकर कोई बोलता है तो कितना खुश हो जाते हो, विराट कोहली बोलता है बाहर यदि इंग्लैंड में बात हो तुम जा रहे हो और बोला कि तुम्हारे देश से कितना बढ़िया प्लेयर है विराट कोहली, तो कितना तुमको फख्र होगा इस चीज़ का। तो देखो वही बोला है कि नेपोलियन कितना बढ़िया है फ्रेंच मिलिट्री ऑफिसर, तो लोगों को प्राइड बढ़ रहा है, ग्लोरी बढ़ रहा है। दे रेडली सरेंडर देयर लाइकली लिबर्टी, बोला कि ठीक है आप करिए, ठीक है ना, आपकी लीडरशिप में हम अगुवाई करेंगे। तो समझे कि यानी कि ये तुम्हारा अचीवमेंट हुआ नेपोलियन का, अलग अलग तुम्हारा जो भी कैंपेन किए हैं। अब समझेंगे रोल ऑफ पॉलिसी ऑफ नेपोलियन, नेपोलियन का जो पॉलिसीज था, समझे ना। अब देखो क्या है, नेपोलियन वॉज द मोस्ट एक्सेप्टेबल इन फ्रांस इन 1799 में बिकॉज हिज पॉलिसी वॉज फेवरेबल। क्यों, अरे भाई जो वो अपना लेके आ रहे थे मैनिफेस्टो लेके आ रहे थे कि हम बनेंगे तो ये करेंगे वो करेंगे, सब लोग को अच्छा लगा उनका सोच और सभी सेक्शन से वो कनेक्ट हो गया सभी चीज़। देखो फ्रेंच पीजेंट्स वांटेड रिकॉग्निशन ऑफ देयर ओनरशिप राइट्स ओवर द लैंड कैप्चर बाय देम, यानी कि जो फ्यूडल लैंड्स लॉर्ड्स जो चला रहा है अपना लैंड लेके, तो पीजेंट्स चाहते थे कि मेरा हमको अधिकार मिले, लैंड टाइटलिंग का अधिकार हमको मिले, तो ये इच्छा था। चर्च चर्च से या फिर फ्यूडल लॉर्ड से जो भी तुम्हारा लैंड कब्जा के ये लोग कब्जा कर रखा है, पीजेंट्स को नहीं मिला ओनरशिप, तो इच्छा था कि हमको मिले ओनरशिप नंबर वन। तो रेवोल्यूशन के बाद तो नेपोलियन ने बोला ठीक है हम आपका डिमांड मानते हैं, हम जैसे सत्ता में आए हम आपको दे देंगे, है ना, अच्छे दिन आएंगे, याद है कि नहीं आए तुम लोग, तो ये भी अच्छा दिन का सपना दिखा रहे थे। द फ्रेंच मिडिल क्लास वांटेड, वो चाहते थे कि हमको बुर्जुआजी क्लास है, अब एक बनिया क्लास के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, पीस, पीस होगा तभी प्रॉस्पेरिटी आ सकता है। तो फ्रेंच मिडिल क्लास बोलते हमको पीस चाहिए और हमको स्टेबिलिटी चाहिए ताकि हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को फिर से रिवाइव कर सके, तो बोला कि चलो हम देते हैं तुमको, दिया भी, ऐसा नहीं कि नहीं दिया। फ्रेंच नेशनलिस्ट चाहते थे कि हमारा नेशनल ग्लोरी हो, जो होते नेशनलिस्ट कि हमारा फ्रांस सबसे बेस्ट हो, तो हमारा नेशन का ग्लोरी बना रहे, और नेपोलियन उसका सिंबल है क्योंकि उसने बहुत ऐसा काम किया है। फ्रेंच मोनार्क्स थे वो होपफुल थे कि ओनली अ पावरफुल लीडर, और जो मोनार्क में बिलीव करते थे तो ये भी जानते थे कि नेपोलियन ही एक आदमी होगा जो मोनार्क की तरह काम करेगा मगर जस्टिस देगा, जो मोनार्क का काम होता है बोलते ना बेनेवोलेंट मोनार्क, हाँ। तो वही बोला कि फ्रेंच मोनार्क भी होपफुल थे कि एक पावरफुल लीडर ही जस्टिस दे सकता है, वो नेपोलियन है, वही मोनार्की को फिर से रिवाइव करके रख सकता है। यानी कि हर तबका को ये क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। सिंस द पॉलिसी एंड एक्शंस ऑफ नेपोलियन वॉज इन कॉन्सोनेंस विथ नीड्स एंड एस्पिरेशन ऑफ डिफरेंट सेक्शन ऑफ पीपल, एवरी वन ठीक है वेलकम्स हिम, एंड व्हेन ही कैप्चर द पावर बाय ओवरथ्रोइंग डायरेक्टली, जैसे ही 1799 में जब कैप्चर किया तो सभी धड़ा वेलकम किए थे, वाह हम आपको क्लैप करते हैं, नाइस वन, ठीक है। तो देखो मैंने कर दिया है, तो थोड़ा शुड आई गो फादर, कितना बच्चा, चलो रहने दो आज।